सारे जड़े मेरे कोलीग्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं या होर है जनरल पब्लिक है उस सारियां नूं दसना चाहांगा कि कोविड 19 दा जिहड़ा प्रकोप है बहुत ज़्यादा जिवें दिन ब दिन वध रहा है और पीक आ रही है तो इहदे तों सानूं की प्रकोशन क्योंकि मैं खुद इहदा पेशेंट रह चुकिया और इस चों निकल चुकिया तो इस करके जो मैनूं एक्सपीरियंस किया वो मैं तुहाडे नाल सारियां नाल अज शेयर करना चाहना। तो इहदे च सब तो वड्डी चीज़ तो यह है जी पहले सब तो पहल दे आधार ते कि आपां जिन्नी प्रकोशन इहदी ले लईए कि पब्लिकली जदों आपां मूव करदे हां मास्क तो बिना मूव नहीं करना जदों ऑफिस बैठे हाँ उदों भी मास्क हर वेले अपने मूँह ते होना चाहिए एंड उस तो बाद ग्लव्स पा के क्योंकि सरफेस के उत्ते भी कंटैमीनेशन हुंदी है तो किसी भी सरफेस नूं आपां टच करदे हाँ जिवें साडी जॉब प्रोफाइल है असी पब्लिक डीलिंग साडे च है असी पेपर्स भी टच करने हैं पब्लिक दे क्योंकि असी हैल्प आउट नहीं कर सकते कि असी बिना कोई इहो जिहा कम अवॉइड नहीं कर सकते तो इस करके प्रकोशनस जिहड़ियां अटमोस्ट प्रकोशनस लैनी चाहीदी है किते किसी विआह शादी पार्टी या कुछ ऐसे है उत्थे भी सोशल डिस्टेंसिंग टोटल मेनटेन होनी चाहिए है और कोशिश ये होनी चाहिए है कि सात्विक जिहा भोजन जिहड़ा घर बने तुसी उही खाओ और जे अगर कोई ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो क्योंकि बाहर कोई ना कोई कंटैमीनेशन हैगी है या पैकेज फूड ले लो या कुछ ले लो तो वो कुछ चंद एक प्रकोशनस है जिहड़ियां जरूरी है। तो जिवें मेरे नाल होया मैं से मेरा जिहड़ा ऑफिस ऑर्डरली सीगा उहनू इनफेक्टेड सीगा एंड एक तो क्लोज्ड एनवायरमेंट जिहड़ी हैगी है एसी च एसी दी हवा नाल और एसी दे विच सर्कुलेट करता है तो उस सर्कुलेशन दे नाल ही मैं फस गया कि जिवें तुसीं कई वारी ऑफिस च कल्ले बैठे हो मास्क उतार दिंदे हो तो मेरी सारिआं नूं तुहानूं यही राय है कि तुसीं वो मास्क उतारना नहीं है और वो मास्क नूं पा के रखना हर वेले चाहे ऑफिस च बैठे हो कल्ले बैठे हो तां वी तुहानूं खतरा उन्ना ही है जिन्ना कि कोई आके तुहाडे कोल बैठ जांदा। अलग अलग बॉडी ते अलग अलग सिमटम्स आंदे आ कोई ये नहीं कह सकदा जी कि है पर मोस्ट कॉमन जिहड़े सिमटम्स इहदे हैगे आ वो हैगा टैंपरेचर होना तो गले च खराश होनी या गले च इरीटेशन होनी और पर कई केसा च मैनू मैं क्योंकि दो तीन दिन हॉस्पिटल भी रह के आया तो उत्थे भी मैनू ये पता लग्या कि कई केसिस दे विच जिहड़ा हैगा डायरिया हो गया किसी नू हैडेक हो गया एंड तो जिहड़ा मेरे नाल परसनल एक्सपीरियंस होया वो ये होया कि मेरियां बॉडी एक हुई लैगस च पेन हुई एंड हल्की जी गले च खराश सी और कफ जिहड़ी सीगी ड्राई कफ हुंदी रही तो उस तो बाद मैं दो दिन वेट की थी, दो दिन मेडिकेशन जिहड़ी एंटीबायोटिक वगैरह वैसे डॉक्टर्स तो लैंदा रहा तो मंडे नूं मैं जिहड़ा सीगा 22 तरीक नूं 22 जून नूं मैं टेस्ट कराया जिहदी रिपोर्ट मैनूं 25 जून नूं मिली जिस च मैं करोना पॉजिटिव मेरा आ गया। इमीडिएटली मैं शाम नूं हॉस्पिटल एडमिशन ले ली उहदा एक कारण ये सी कि मैं ये चाहुंदा सी बिकॉज मेरी जिहड़ी एज सीगी वह मेरी फेवर च नहीं सी बिकॉज 45 तो उत्ते रिस्क ज़्यादा हुंदा तो सिंस आई वॉज 54 ईयरस तो मैं ये ठीक समझिया कि जो राय की डॉक्टर्स ने सलाह दी कि तुसी एक बार आके अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करवा जाओ। ये मैं एक होर जरूरी चीज़ सांझी करना चाहूँगा कई लोगों के ना मन च वहम हैगा कि पता नहीं असी हॉस्पिटल क्यों जाइए हॉस्पिटल पता नहीं साडा किवें दा होएगा उत्थे होर ना सानू हो जाए वायरस होर ना हो जाए होर बीमारी ना लग जाए पर मैं इत्थे ये तुहानू दस देना चाहना कि मैनू भी यही एडवाइस किया कि तुसी घर रह लो पर मैं आपदी मर्जी आपदी दिल दी सुनी और मैं हॉस्पिटल गया क्योंकि हॉस्पिटल जाके तुहानू एक तसली रहिंदी है कि दो तीन दिन जिहड़े तुहाडे पहले शुरू दे या चार दिन या सत एक वीक जिहड़ा पहला हफ्ता हुंदा बहुत ही क्रूशियल हुंदा और उहदे विच दो तीन दिन तां तुहाडे निकल जांदे टेस्ट की रिपोर्ट आउण नूं जदों तुसीं इनफेक्ट हुंदे हो तो तीन चार दिन लिए अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो भी जाए ये वैसे इंडिविजुअल डिसीजन है मैं किसी ते बाइंड नहीं करना चाहता पर मैं एक राय दे रहा अपनी जो मेरी परसनल है कि अगर दो तीन दिन तुसी हॉस्पिटल जाके इन्वेस्टिगेशन करा लेंदे हो या किसी सेंटर च जिहड़े गवर्नमेंट दे सेंटर है उत्थे जाके तुसी इन्वेस्टिगेशन करा लेंदे हो और डॉक्टर्स तुहानू क्लीन चिट दे देंदे आ होम क्वारंटाइन लई तां काइंडली उदों ही होम क्वारंटाइन होवो। हाँ अगर बिल्कुल किसी तरह के भी कोई सिमटम नहीं है तो भी तुसी जरूर एक बार उस सेंटर च जाके पुछ के डॉक्टर्स की राय के नाल ही होम क्वारंटाइन होवो क्योंकि हॉस्पिटल जाके एक तसली जी हो जाती है इन्वेस्टिगेशन हो गई ये हो गई कि नथिंग टू वरी यू कैन बी एट होम और तुसी घर रह के पूरा अपने आप नूं ठीक कर सकते हो वो एक तसली जी मन च हो जाती है जिहड़ी तुहानूं इस जिवें एक करोना का हउआ बनया होया उस नूं ओवरपावर करन लई बहुत वड्डी जिहड़ी हैगी है सहायता करती है। और मैं दो दिन तीन रातां मैं हॉस्पिटल च रहा उत्थे उन्होंने ब्लड टेस्ट
किते एक्सरेज किते दो तीन बार मेरे एंड ब्लड थिनर दते इंजेक्शन प्लस उन्होंने मैनू कुछ मेडिकेशन सप्लीमेंट्स दते बिकॉज इस कोई भी मेडिसन हजे तक नहीं है तो अलग अलग हॉस्पिटल की अपनी अपनी थ्यूरी है कोई किसी तरह ट्रीटमेंट दे रहा कोई किसी तरह दे रहा वो भी एक सैट पैटर्न नहीं है कि ट्रीटमेंट ये देनी है तो उन्होंने जो सारी उन्होंने ईवन सिटी स्कैन भी किया एंड जो उन्होंने श्योर हो गया कि मेरे कितने लंग्स वगैरह से कोई इन्फेक्शन नहीं आई है तो उन्होंने मैनू कहता कि तुसी होम क्वारंटाइन हो जाओ। तो उस तो बाद मैं 28 तरीक नू अपने घर वापस आ गया और घर वापस आके जिहड़ियां अगे प्रिकॉशनज वगैरह रखनियां या की आपां डाइट लेनी है वो मैं तुहाडे नाल सांझी करदा कि घर आण तो बाद एक तो मैं सैपरेट फैमिली तो बिल्कुल अलग रूम काफ़ी दूर अपना रख लिया एंड उहदे च डिस्पोजेबल जिहड़े यूटेंसिल्स आंदे अपने प्लास्टिक दे या थर्मोकोल दे वो यूज़ करने शुरू करते अपना गारबेज बैग अलग रख लिया एंड मेरे ख्याल कारपोरेशन ने या कुछ मैं तो अपना प्राइवेट अरेंजमेंट कर लिया सी बट मैं पता लगे कि कारपोरेशन ने कोई एजेंसी भी एंगेज की हुई है जिहड़े पॉजिटिव पेशेंट्स होम क्वारंटाइन हैगे आ उन्हां दा गारबेज वगैरह वो पिक कर लेंदे घर तो रोज़ एक बार दिन च आके टीम जिहड़ी सीगी मैं हायर की सी वो सैनिटाइज कर जांदी सी मेरा रूम और घर दे विच एंड सैकेंड मेरा जिहड़ा गारबेज वगैरह वो लै जांदी सी। तो ये बहुत जरूरी है कि सारा दिन आप बैड पर पे रहने तो वो की करना है कि मैं मॉर्निंग जो मैं उठता सीगा 5:30-6 बजे उठ के अपना फ्रैश वगैरह हो के तो अद्धा पौना घंटा अपना कोई नितनेम वगैरह मैं करता सीगा पूजा पाठ तो उस तो बाद मैं कुछ एक्सरसाइजिज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजिज़ बैलून गुब्बारे जिवें आप बचपन च फैलाने वोद क्योंकि लंग्स का जोड़ा है एक्सपेंशन होंगी है और लंग्स वो किया उस तो बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजिज़ कुछ कीतियाँ 2-3 बार दिन च मैं ये करता रहा मेरी दिनचर्या उस तो बाद कुछ सप्लीमेंट्स उन्होंने बी कॉम्पलैक्स या कोई गैस्ट्रिक वास्ते या SOS वास्ते पैरासीटामोल वगैरह दिती सी बट लकीली मैनू घर आने तो बाद कोई भी इदा की मेजर प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं दोबारा कंसल्ट करना पे जो उन्होंने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की 10 दिन वास्ते वो मैं घर आके पूरी की और 17 दिन मैं 17 डेज पूरे किए क्योंकि 17 डेज तो बाद जी है WHO की हिदायत है प्लस डॉक्टर्स जो भी मैं कंसल्ट किया वो ये कहते कि 17 दिन तो बाद इन्फेक्शन किसी तो नहीं हो सकती ना ही तुसी किसी नू इन्फेक्ट कर सकते हो। तो फिर मैं 17 दिन तो बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां इस च हैगी हैं कि जो तुसी बैड पर हुंदे हो इन्नी देर बैड पर लेटे लेटे तुसी बंदा बोर हो जाता तो वैसे भी अदरवाइज ऑलसो ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहिंदा है तो हर 4 घंटे के बाद 6 मिनट वॉक करनी है और उहदे लई आपां नूं कोई तीन चार चीज़ा जरूरी एक तो ऑक्सीमीटर 1,000-1,200 रुपये का आ जाता है एक थर्मामीटर जिहड़ा डिजिटल थर्मामीटर जिहनूं आपां कहिंदे मूँह चलाने हैं वो जरूर चाहिए क्योंकि एक्यूरेट जिहड़ा टैंपरेचर है उही दसदा है और उस तो अलावा जिहड़ा ऑक्सीमीटर है ऑक्सीमीटर आपां खास करके राइट हैंड की मिडल फिंगर च जे अगर लगा लिया जाए तो काफ़ी एक्यूरेट आती है वो रीडिंग और लगा के तो तुसी अगर 5-6 मिनट के करीब चलते और तुहानू उस तो पता लगना चाहिए कि तुहाडे लंग्स की हैल्थ किवें है तुसी घर च ही मोनीटर कर सकते हो अगर वो ऑक्सीजन 90 तो थले आ जाती है दैट मीनस यू आर टू बी होस्पिटलाइज तुहानू हस्पताल जाना है और डॉक्टर नू कंसल्ट करना है अगर वह 92-93-94 तक रहिंदी है तो इहदा मतलब कोई नहीं क्योंकि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वैसे ही ऑक्सीजन बॉडी च घट हुंदी है तो वो दैट इज़ तुसी फाइन उहदे च घबराउण की लोड़ नहीं है लेकिन हर 4 घंटे बाद तुसी जरूर उठ के 5-6 मिनट लई कमरे च जिथे तुसी आइसोलेशन च हैगी उत्थे जरूर चलना। डाइट के बारे मैं कहांगा अननेसेसरी बहुत ज़्यादा क्योंकि आपां बैड ते पए आ एक्सरसाइज कोई है नहीं इन्नी ज़्यादा डाइट भी नहीं ले लेनी हाँ हेल्दी डाइट लो प्रोटीन रिच लो कुछ एक अपने फ्रूट्स मिक्स कर लो 1-2 बार 100-150 मिलीलीटर हल्दी वाला दुध ले लो काढ़ा ले लो 1-2 बार स्टीम ले लो अगर कोई तुहानू हैगी है ये कुछ एक चीज़ा है जिवें कोई किसी का नोज़ ब्लॉक हो जाता है उहदे लई नेजल ड्रॉप्स तुसी यूज़ कर सकते हो वो कोई पुछण दी लोड़ नहीं है कफ अगर रहिंदी है या इरीटेशन रहिंदी है तुसी कॉफसिल वगैरह या वट एवर कोई भी कोई जिहड़ियां गोलियां हैगियां चूसण वालियां वो खा सकते हो। हाँ 3 वार तुसी एक लिमसी प्लस आती है या लिमसी दी विटामिन सी दी टेबलेट है वो 3 वार जरूर दिन च लेनी है
क्योंकि उहदे नाल विटामिन सी और जिहड़ा भी कोई तुसी फ्रूट देखदे हो उहदे च भी तुसी गावा लै सकदे हो या मौसमी वगैरह लै सकदे हो, विटामिन सी रिच जिहड़े है बिकॉज वो तुहाडी रिकवरी च काफ़ी हैल्प करते हैं। तो इस तों अलावा मैं तो यही एंड च जिथे मैं इहदी समाप्ति वल जाना कि जिन्ना तुसी अपना इस चीज़ तो बचा कर सकते हो, अगर लोड़ नहीं है तो काइंडली साड़ी तो क्योंकि ड्यूटी ऐसी है असी पब्लिक की सेवा करनी है 24 घंटे बाहर है, और मैं खास करके अपने जिहड़े मेरे कोलीग्स हैगे है पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने मैं कहना चाहूँगा कि असी अतवाद भी लड़िया हंडाया उन्होंने असी हराया, पर ये जिहड़ी चीज़ है इत्थे दुश्मन जिहड़ा इनविजिबल है इन्हें पता नहीं कदों कित्थों किस रूप च तुहानूं पै जाना है, ये तुसी कुछ नहीं कह सकते कि किस रूप च आ जाना, उहदे च तां सानूं कोई इनफॉर्मेशन भी हुंदी सी इहदे च कोई ए नहीं है, ये अनइनफॉर्मेंट आएगा और तुहानूं घेर लेगा। तां तुसीं इहदे च जिन्नी प्रकॉशन लै सकते हो आम पब्लिक भी जनरल पब्लिक भी जिन्नी प्रकॉशन तुसीं लै सकते हो, अगर तुहानूं जरूरत नहीं है तां घर तों बाहर प्लीज़ ना निकलो, और अगर घर तों बाहर जाना भी है तां एक मैंबर ही जावे और उह जे कोई जरूरत दा समान लै के अंदर आ जाए, क्योंकि ये हजे जिहड़ी हुण पीक ते जा रहा है और ये जिहड़ा अगला आने वाला एक महीना हैगा ये बहुत ही ज़्यादा अपने लिए टफ हैगा। तो मेरी इस सारे नू यही एक रिक्वेस्ट है बेनती है हाथ जोड़ के कि जिन्ना तुसी इहदे च अपना बचाव कर सकते हो करो। थैंक यू वेरी मच। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।